हर नया दिन एक नया अवसर है श्रेष्ठ कार्य करने का, श्रेष्ठ बनने का, श्रेष्ठ प्राप्त करने का। आवश्यक है कि हम हर दिन का सदुपयोग करें। यदि कल हमें सफलता नहीं मिली तो निराश ना हो, नए दिन में नई ऊर्जा, नई आशा के साथ फिर से प्रयत्न करें, जिससे आप अपने जो लक्ष्य है उसकी ओर अग्रसर हो सकें, अपने दिन को नया और श्रेष्ठ बना सकें, अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकें। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूँ किरण भारद्वाज। आज है सावन की शिवरात्रि। इस शिवरात्रि का विशेष महत्व है, इसे श्रावण शिवरात्रि या सावन शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। और कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि यदि इस दिन कोई व्यक्ति व्रत उपवास करता है और भगवान शिव की उपासना करता है तो उसके जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे जीवन में उत्तम फल की प्राप्ति होती है। कभी भी समय को प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। समय निरंतर चलता रहता है, इसलिए वो लोग जो ये इंतजार करते हैं कि जीवन में उत्तम समय आएगा, उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। अपने जीवन में किसी भी विशेष अवसर की प्रतीक्षा ना करें और यदि कोई सुनहरा अवसर मिलता है तो उसे बिल्कुल ना गंवाएं, क्योंकि हर क्षण कीमती है और यही आपके जीवन को सफलता की ओर ले जाता है। इसलिए समय की पहचान और सम्मान करें, समय का सदुपयोग करें, जिससे आपका जीवन श्रेष्ठ बने, उत्तम बने। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रमी संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, त्रयोदशी तिथि, शुक्रवार, आर्द्रा नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। व्यक्ति की वाणी एक बहुमूल्य आभूषण के समान होती है। यदि उसे ठीक न रखा जाए तो व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व की चमक फीकी पड़ सकती है। आवश्यक है कि अपनी वाणी पर नियंत्रण रखा जाए। हमारे विचार जैसे होते हैं उसी तरह से हमारी वाणी और व्यवहार बनता है। इसलिए अपने विचारों को उत्तम बनाना, सकारात्मक बनाना और प्रेरणा का स्रोत बनाए रखना उचित और उपयोगी होता है। विकल्प मात्रावस्थाने वैरूप्यम् मनसो भवेत् पश्चान्मूलक्रियारम्भ गंभीरावर्त दुस्तरः। विकल्प मात्र का विचार करने से मन में विरूपता उत्पन्न हो जाती है, जिसके बाद प्रारंभ किए गए कार्य में गंभीर आपत्तियों की भंवरें आ जाती हैं और कार्य कठिन हो जाता है। अतः मन को संकल्पात्मक करें, विकल्पात्मक नहीं। Even slightest of doubt creates distortion in mind that in turn creates serious hurdles for the task at hand. Therefore, one must free our minds of doubts and stay firm on our resolution. किसी भी व्यक्ति का व्यवहार उसके व्यक्तित्व का परिचायक होता है। भारतीय ज्ञान परंपरा के ऐसे अनेक ग्रंथ हैं जिसमें व्यवहारिक ज्ञान मिलता है, जिससे व्यक्ति नैतिकता सीखता है और नैतिक जीवन का पालन कर अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इन्हें व्यक्ति का शत्रु बताया गया है। आज देखते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा में हमारी सहयोगिनी लता वशिष्ठ की ये विशेष रिपोर्ट, जिसमें हम बात करेंगे लालच अर्थात लोभ का क्या परिणाम होता है और किस तरह के प्रभाव हो सकते हैं व्यक्ति के जीवन और उसके व्यक्तित्व पर। लोभ अर्थात लालच मानव स्वभाव की
एक अत्यंत ही नकारात्मक प्रवृत्ति है, जिसके कारण व्यक्ति की विभिन्न प्रकार से अवनति होती है। लोभ पर नियंत्रण कर जीवन स्तर को उन्नत करने हेतु ऋषियों ने विभिन्न विषयों के साथ ही नैतिकता पर भी आधारित अनेकों ग्रंथ लिखे हैं। इन्हीं ग्रंथों में भारतीय ज्ञान परंपरा के अत्यंत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ महाभारत का नाम भी समाहित होता है। महाभारतकार ने मानव स्वभाव की नकारात्मक प्रवृत्ति लोभ अथवा लालच को सभी अनर्थ का कारण बताया है और उससे होने वाले विभिन्न पापों का वर्णन किया है। पापस्य यदधिष्ठानम् तच्छृणुष्व नराधिप एको लोभो महाग्राहो लोभात् पापं प्रवर्तते। भीष्म पितामह कहते हैं, एकमात्र लोभ ही सभी पाप कर्मों का कारण है। लोभ मनुष्य को निगल जाता है। लोभ अर्थात लालच से ही पाप की प्रवृत्ति होती है। अतः पापम धर्मश्च तथा दुःखम अनुत्तमम् निकृत्या मूलमेतद्धि येन पाप कृतो जनाः। लोभ से ही पाप, अधर्म तथा महान दुख की उत्पत्ति होती है। इसी के कारण मनुष्य पापाचारी हो जाते हैं। लोभ से ही क्रोध प्रकट होता है, लोभ से ही काम की प्रवृत्ति होती है और लोभ से ही माया, मोह, अभिमान, उद्दंडता तथा पराधीनता आदि भी प्रकट होते हैं। अक्षमा ह्री परित्यागः श्रीनाशो धर्म संक्षयः अभिद्या प्रख्यता चैव सर्वं लोभात् प्रवर्तते। असहनशीलता, निर्लज्जता, संपत्ति का नाश, धर्म क्षय, चिंता और अपयश, ये सभी प्रवृत्तियां लोभ से ही उत्पन्न होती हैं। लोभ के कारण ही कृपणता, अत्यंत तृष्णा, शास्त्र विरुद्ध कर्मों में प्रवृत्ति, कुल और विद्या विषयक अभिमान, रूप और ऐश्वर्य का मद, समस्त प्राणियों के प्रति द्रोह, सबका तिरस्कार, सबके प्रति अविश्वास तथा कुटिलता पूर्ण बर्ताव होते हैं। दर्पः क्रोधो मदः स्वप्नो हर्षः शोकोति मानिता अत एव हि कौरव्य दृश्यन्ते लुब्ध बुद्धिषु। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को कहते हैं, जिनकी बुद्धि लोभ में फंसी हुई है, उन मनुष्यों में दर्प, क्रोध, मद, दुस्वप्न, हर्ष, शोक तथा अत्यंत अभिमान, ये दोष दिखाई देते हैं। जो लोग सदा लोभ के समान दोष में डूबे रहते हैं, ऐसे मनुष्यों को अशिष्ट समझना चाहिए और उनको त्याग देना चाहिए। शिष्टाचारी व्यक्ति के विषय में बताते हुए भीष्म पितामह कहते हैं, शिष्टाचारः प्रियो येषु दमो येषु प्रतिष्ठितः सुखम दुःखम समम येषाम सत्यम येषाम परायणम। अर्थात जिन्हें शिष्टाचार प्रिय है, जिनमें इंद्रिय संयम प्रतिष्ठित है, जिनके लिए सुख और दुख समान है, सत्य ही जिनका परम आश्रय है, वही शिष्टाचारी कहलाते हैं। सर्वोपकारिणो वीराः सर्वधर्मानुपालकाः सर्वभूतहिताश्चैव सर्वदेयाश्च भारत। अर्थात जो लोग स्वभाव से दयालु, सत्कर्म के लिए सदा उद्यत, समस्त प्राणियों के हितैषी, परहित के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले, सत्कर्म से विचलित ना होने वाले, धर्म के अनुष्ठान में तत्पर रहते हैं, वही सदाचारी होते हैं। ऐसे ही सदाचारी शिष्टाचारी लोगों की संगति में रहना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने लोभ को नरक बताया है और उसे त्यागने का संदेश दिया है। त्रिविधम नरकस्येदम् द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस् तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत्। काम, क्रोध और लोभ, ये तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा को नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए। लोभ समस्त पापों का कारण है। अतः भारतीय ज्ञान परंपरा में, भारतीय शास्त्र ग्रंथों में भी लोभ प्रवृत्ति के त्याग का उपदेश दिया गया है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। अवगुण किसी भी व्यक्ति के जीवन को विनाश की ओर ले जाते हैं, उसके जीवन की जो प्राथमिकता है और महत्व है उसको कम करते हैं। जो व्यक्ति इन सभी शत्रुओं को हराकर गुणों को अपने जीवन में धारण करता है, उसका जीवन बहुमूल्य बन जाता है,
क्योंकि जीवन में गुण ही वास्तविक धन है। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से विराम के लिए, आप देखते रहिए डीडी न्यूज, जल्द लौटते हैं। तड़के वाली रोली भाली मेहनत वाली असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार बड़ी होशियार सही टेस्ट का असली टेस्ट MDH जिंजरगार्लिक पेस्ट। मैके जी सब जानते हैं, जहां देखे मारियो अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। काट। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। त्वचा की समस्याएं कई कारणों से हो सकती हैं, उन्हीं में से एक है धूप में अधिक देर तक रहना और तेज धूप में रहना। त्वचा की समस्याओं के कारण धूप में रहना हो सकता है। धूप कई प्रकार से हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती है और कई तरह की समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। ऐसे में सनस्क्रीन का उपयोग त्वचा के लिए बेहद लाभकारी है, क्योंकि ये एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है और जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं उनको त्वचा पर प्रभाव नहीं करने देता। लेकिन सनस्क्रीन के प्रयोग को लेकर कई सवाल हर व्यक्ति के मन में रहते हैं। किस तरह की सनस्क्रीन का चुनाव किया जाए, सनस्क्रीन कब लगाएं, कैसे लगाएं, कितनी मात्रा में लगाएं, इन्हीं सब सवालों का जवाब पाने के लिए आइए देखते हैं ये रिपोर्ट और समझ लेते हैं कि हमारी त्वचा के लिए सनस्क्रीन किस तरह से उपयोगी है और कैसे किया जाए एक सही सनस्क्रीन का चुनाव। बाहरी वातावरण में उपस्थित कई कारक हमारी त्वचा को प्रभावित करते हैं, जैसे धूल मिट्टी प्रदूषण और धूप। लंबे समय तक धूप में रहना बन सकता है आपके लिए एक समस्या, क्योंकि इससे आपको हो सकती है कई तरह की त्वचा की समस्याएं। अधिक समय पर धूप में रहने से त्वचा पर झुर्रियां आना, टैनिंग या त्वचा का रंग सांवला होना, सनबर्न, त्वचा का लाल होना, जलन, त्वचा संवेदनशील होना और त्वचा की एलर्जी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। हमारी इंडियन स्किन में इतने तो पिगमेंट होते हैं कि हमारे को सनबर्न ना हो, लेकिन टैनिंग हर एक में प्रिवेंट करने के लिए जो सनस्क्रीन होना चाहिए वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाला होना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम एक डिसीजन ले लेते हैं ब्रांड के नाम से या फिर SPF देखकर, लेकिन वो इनफ नहीं होता है। हमारे को जो SPF होता है वो सिर्फ UVB की कवरेज देती है, जबकि हमें UVA और UVB और विजिबल लाइट तीनों चीज़ें के कवर देना होता है। तो अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाले जो सनस्क्रीन्स होते हैं, जो आप जाके अपने त्वचा रोग विशेषज्ञ से भी पूछ सकते हैं, उनसे एडवाइस ले सकते हैं, वो यूज़ करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोई भी सनस्क्रीन का इफेक्ट तभी आता है अगर एक फिजिकल प्रोटेक्शन भी साथ में दिया जाए। छाता या टोपी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो चुन्नी ही लपेट लेंगे तो भी आपको काफ़ी प्रोटेक्शन मिल जाती है। धूप का अधिक समय तक संपर्क त्वचा पर काले धब्बों को बढ़ा सकता है, इसे हाइपरपिगमेंटेशन कहा जाता है। सूर्य की किरणें काले धब्बे उत्पन्न कर सकती है। जब UV किरणें अर्थात पराबैंगनी किरणें त्वचा पर पड़ती है तो वे मेलेनिन के अत्यधिक उत्पादन का कारण बनती है। ये वो वर्णक है जो हमारी त्वचा के रंग को निर्धारित करता है। मेलेनिन तत्व का अधिक बनना त्वचा का रंग गहरा करता है, अर्थात हाइपरपिगमेंटेशन की ओर ले जाता है। सनस्क्रीन त्वचा पर सुरक्षा परत की तरह कार्य करती है। सनस्क्रीन लगाकर आप एक ऐसी ढाल बना लेते हैं जो यूवी किरणों को त्वचा की कोशिकाओं तक पहुंचने से रोकती है। ये अतिरिक्त मेलेनिन उत्पादन को रोकने में सहायक होती है, जो काले धब्बों का कारण बनता है। समय के साथ लगातार सनस्क्रीन का प्रयोग करने से
हाइपरपिगमेंटेशन की संभावना कम होती है। सनस्क्रीन कम से कम बाहर डायरेक्ट सन एक्सपोजर से 20 से आधा घंटा पहले लगाना ज़रूरी है। क्वांटिटी कम से कम आपको, जैसे हम फिंगर टिप मान के अगर चलेंगे तो टिप ऑफ द फिंगर से लेके यहाँ तक इंडेक्स, इतना अगर हम लेके चलेंगे तो भी हमारा आधा चेहरा ही कवर होना चाहिए। तो हमें काफ़ी मात्रा में लगानी चाहिए। कई बार उसके वजह से हमें सफ़ेद दिखना पड़ता है, बट वो एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। वो उतनी लेयर लगाना भी बहुत ज़रूरी है और 2 से 3 घंटे बाद भी लगाना ज़रूरी है। जेल बेस्ड सनस्क्रीन कई लोगों को थोड़े कॉस्मेटिकली एक्सेप्टेबल ज़्यादा रहते हैं क्योंकि वो फिल्म स्टिकी नहीं बनाते हैं और वो कलर भी नहीं देते हैं। धूप के कारण त्वचा पर कई दुष्प्रभाव हो सकते हैं जिनसे बचाव का उपयोगी विकल्प है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन का प्रयोग त्वचा पर झुर्रियां और टैनिंग यानी त्वचा का रंग सांवला होने से बचाता है। सनस्क्रीन त्वचा की रक्षा करती है और पराबैंगनी विकिरणों को त्वचा पर अवशोषित होने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी वजह से यूवी विकिरणें त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचा पाती, लेकिन इसके लिए सही सनस्क्रीन का चुनाव करना आवश्यक है। बाजार में कई तरह की सनस्क्रीन उपलब्ध है, ऐसे में सही सनस्क्रीन कैसे चुने ये जरा मुश्किल सा लगता है। कई लोगों को फ्लेयर हो जाता है, जैसे मुहासे होती है, मुहासे की तकलीफ फ्लेयर हो जाती है क्योंकि सनस्क्रीन जो है वो पोर्स भी बंद कर देते हैं, उनके अपने अक्लूसिव प्रॉपर्टीज भी आ जाती है बेस के वजह से। तो उन लोगों में, या जिन लोगों को सनस्क्रीन के अंदर की इंग्रेडिएंट से एलर्जी हो, ये लोग अगर सनस्क्रीन यूज़ करते हैं तो कहते हैं कि उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। उनके केस में हमें उनके हिसाब से चूज़ करना पड़ता है। सही सनस्क्रीन चुनाव के साथ साथ सनस्क्रीन को लगाने का सही तरीका क्या है, इसके विषय में जानना भी आवश्यक है। सनस्क्रीन एकमात्र तरीका नहीं है जिससे आप अपनी त्वचा को सूर्य के प्रभाव से बचा सकते हैं। यदि धूप में जाना हो तो आप टोपी, धूप का चश्मा और पूरी बाजू के कपड़े पहन सकते हैं। इससे भी त्वचा को धूप के प्रभाव से बचाया जा सकता है। बाजार में कई तरह के सनस्क्रीन, लोशन और क्रीम उपलब्ध हैं, जिनका चुनाव आप भारतीय जलवायु और अपनी त्वचा के अनुसार कर सकते हैं। तो आप भी दिन में घर से बाहर निकलते समय सनस्क्रीन लगाना न भूलें, जिससे त्वचा की समस्याओं से बचाव हो और आपका निखार बरकरार रहे। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। कहा जाता है कि विटामिन डी की कमी ना हो इसके लिए कुछ समय धूप में अवश्य बैठना है, लेकिन वो समय दोपहर का नहीं होना चाहिए। सुबह के समय 2 घंटे बैठ सकते हैं और अगर तेज धूप में आप जाना चाह रहे हैं तो किसी भी तरह से अपनी त्वचा को ढक कर रखें, चाहे छतरी का प्रयोग करें, कोई कपड़ा लपेटें या फिर सनस्क्रीन का उपयोग करें। यहाँ पर आपको बता दें कि स्वास्थ्य के लिए योग बेहद उपयोगी है और योग का प्रभाव हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही नहीं अपितु मानसिक स्वास्थ्य पर भी होता है। महिलाओं के लिए स्वास्थ्य किस तरह से लाभकारी हो सकता है, विशेष तौर पर उन महिलाओं के लिए जो गर्भधारण का सोच रही हैं या गर्भावस्था के दौरान किस तरह से योगिक क्रियाएं आपके लिए लाभकारी और उपयोगी हो सकती हैं, आइए समझ लेते हैं। नमस्कार, मैं रोहिणी घोष। आज हम महिलाओं के प्रसव पूर्व कुछ अभ्यास किए जाने वाले आसनों के बारे में जानेंगे और उनके नियमित अभ्यास से आपकी नॉर्मल डिलीवरी की संभावनाएं बढ़ सकती है और आपका प्रेगनेंसी ड्यूरेशन बहुत बढ़िया निकलेगा। तो पहला है भद्रासन। नॉर्मल डिलीवरी के लिए भद्रासन एक बहुत ही बेहतरीन आसन है। ये आपके पेल्विक फ्लोर में, पेल्विक रीजन में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करता है, आंतरिक जांघों और नितंबों को मजबूत बनाता है और आपके कूल्हों के जोड़ों को बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, जिससे आपकी डिलीवरी के टाइम बहुत आसान होता है। आइए देखते हैं कैसे करें। दोनों पैरों को इस प्रकार फैलाएं, सीधे बैठ जाएं, सांसों पर नियंत्रण रखें, इसको अपने पास ले आए, अपने दोनों हाथों से इसको पकड़ ले, अपने कंधों को पीछे की ओर करें, सीधा बैठे, आंखें बंद, अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। 3 सेकेंड सांस अंदर, 3 सेकेंड सांस बाहर। इसका नियमित अभ्यास कीजिए। 30 सेकेंड से शुरू करिए,
10 मिनट तक बैठने का अभ्यास करिए, जब भी हो सके भद्रासन में बैठे, बहुत ही प्रभावी है ये। दूसरा यष्टिकासन, ये एक बहुत ही अच्छा आरामदायक आसन है जिसे आप लेट कर करेंगे। इस प्रकार लेट जाएं, सीधे लेटे, दोनों हाथों को अपने बाजू में रखें, पैरों को जोड़ ले, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाए और उसी दौरान अपने पंजों को नीचे की ओर पॉइंट करिए। सांस लेते रहे अंदर बाहर, ये आपके सांसों पर बेहतर प्रबंध बनाएगा, बेहतर मैनेजमेंट होगी आपके सांसों पर, आपकी बहुत अच्छी स्थिरता बनेगी। धीरे से हाथों को नॉर्मल स्थिति पे ले आए और साइड की ओर घूम के उठ जाए। इससे क्या होगा, जब आपकी गर्भ पीड़ा, आपका प्रसव पीड़ा शुरू होगी, क्योंकि अब आपके सांसों पर आपका नियंत्रण बहुत अच्छा है, जिससे आप अपने प्रसव पीड़ा को प्रबंधित कर सकते हैं। बल्कि आप जब शारीरिक और मानसिक रूप से अस्थिर महसूस कर रहे हैं, आप इसमें लेटे, आपको शांत करने में ये बहुत मदद करेगा। तो अब बारी है कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जानने की हमारी पूज्य गुरु मां डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या ध्यान रखना जरा सोचिए। ध्यान तो रखना ही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आप खाने पीने में पहले तो ध्यान दें कि ओमेगा 3 फैटी एसिड पेट में जाना चाहिए, जैसे कि अखरोट है, फ्लैक्स सीड्स है, बादाम को भिगोकर छिलका निकाल कर बादाम लें, खजूर लें, अंजीर लें, ये सब चीज़ें पेट को सही रखने के लिए अच्छी हैं। दूसरा ध्यान रखें कि जब आप लंबे समय बैठे रहेंगे एक जगह तो कमर दर्द बढ़ेगा, इसलिए चलना ज़रूरी है। कम से कम 45 मिनट सवेरे और कम से कम आधा घंटा शाम को वॉकिंग होना ही चाहिए। अमुक आसन बहुत फ़ायदा तो करेंगे ही, वो करने हैं। और सोते वक्त ध्यान रखें कि तकिए को इस तरह रखें कि जिससे पेट आराम से साइड में सो सके। ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं, ध्यान रखें, बहुत ठीक रहेगा बच्चे के लिए भी और आपके लिए भी। नमस्कार। जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन ही जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने के आधार बनते हैं और जीवन को उस दशा में और दिशा में ले जाते हैं। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम, जल्द लौटते हैं, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां देखे मारियो अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे जीवन में कई तरह के बदलाव होते हैं, कई परिवर्तन आते हैं और हर एक परिवर्तन से व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता है। जीवन में सीखना बहुत ही उपयोगी है, चाहे अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की बात हो या जीवन की। आज संस्कृत पाठशाला में हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी सिखा रहे हैं संस्कृत से जुड़े कुछ वाक्य। आप भी इनको देखिए, सुनिए और अभ्यास कीजिए। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशाला प्रभागस्य एतस्यां संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत कक्षा में आज हम सामान्य वाक्यों को संस्कृत में बोलना सीखेंगे। यदि हमें कहना हो, परीक्षा की बात अलग एवं योग्यता अलग होती है,
तो इसे संस्कृत में कहेंगे परीक्षा अन्य योग्यता च अन्य भवति। परीक्षा अन्य योग्यता च अन्य भवति। क्या कॉपी चेक करने जाएंगे? यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे उत्तर पुस्तिका नाम मूल्यांकनाय गमिष्यति किम्। उत्तर पुस्तिका नाम मूल्यांकनाय गमिष्यति किम्। यदि कहना हो स्वास्थ्य ठीक नहीं है फिर भी जाऊंगा तो इसे संस्कृत में बोलेंगे अस्वस्थः चेदपि गमिष्यामि। अस्वस्थः चेदपि गमिष्यामि। मूल्यांकन कार्य कहाँ होता है? मूल्यांकन कार्यम कुत्र प्रवर्तते। मूल्यांकन कार्यम कुत्र प्रवर्तते। यदि वाक्य हो इसी विद्यालय के चौथे फ्लोर पर होता है तो संस्कृत में बोलेंगे अस्य विद्यालयस्य एव चतुर्थे तले भवति। अस्य विद्यालयस्य एव चतुर्थे तले भवति। जरा देखो गणित के शिक्षक आए हैं? गणितस्य शिक्षकः आगतः वा इति पश्यतु। गणितस्य शिक्षकः आगतः वा इति पश्यतु। वाक्य यदि हो आज गणित और संस्कृत के शिक्षक अवकाश पर हैं तो बोलेंगे अद्य गणित संस्कृतयोः शिक्षकौ अवकाशे स्तः। अद्य गणित संस्कृतयोः शिक्षकौ अवकाशे स्तः। बेटा पढ़ाई अच्छी तरह कर रहे हो ना? यदि यह वाक्य हो तो बोलेंगे वत्स अध्ययनं सम्यक्तया करोति खलु। वत्स अध्ययनं सम्यक्तया करोति खलु। कोई संदेह हो तो पूछ लेना। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बनेगा कश्चन संदेहः यदि स्यात् तर्हि पृच्छतु। कश्चन संदेहः यदि स्यात् तर्हि पृच्छतु। मित्रों प्रतिदिन इस प्रकार के कुछ वाक्यों को धीरे धीरे सीखने व नित्य अभ्यास करने से आपका भाषाधिगम बढ़ता जाएगा। ऐसे ही वाक्यों को जानने व अभ्यास करने के लिए संस्कृत पाठशाला से जुड़े रहिए एवं अपनी प्रतिक्रियाएं हमें जनसंचार माध्यमों के द्वारा भेजते रहिए। अस्तु आज के लिए इतना ही। संस्कृत कक्षायां पुनः मेलिष्यामः। तावत् नमो नमः। कुछ लोग अपने जीवन में परेशानियों और कठिनाइयों से घबराते हैं लेकिन उसमें निरंतर चलते रहना ही जीवन के लिए उपयोगी होता है। सफर में धूप तो होगी तुम भी जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में तुम भी जो निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं तुम जो खुद को बदल सको तो चलो। अपने जीवन में चलते रहिए प्रयास करते रहिए प्रसन्न रहिए। और फिलहाल समय हो गया है हमारे चलने का आपसे अलविदा कहने का अनुमति लेने का। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।